एनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। शहर के 180 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बैन, कल से हाई कोर्ट में विशेष सतर्कता। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। नागपुर में साइबर पुलिस सेल की टीम ने 180 से अधिक लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया है। साइबर पुलिस सेल के एपीआई केशव वाघ के अनुसार, स्वयंचालित या फिर बल्क में मैसेजिंग के अवैध उपयोग के चलते बहुत से खाते सामान्यतः प्रतिबंधित किए जाते हैं। संतरा नगरी में भी आए दिन साइबर पुलिस थाने में सोशल मीडिया से जुड़े ठगी के सैकड़ों मामले पहुंच रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों की सुरक्षा को लेकर मेटा काफी गंभीर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजकल लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। कुछ शातिर दिमाग वाले व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोग करने लगते हैं। अगर किसी उपयोगकर्ता को आपके व्हाट्सएप के कारण परेशानी निर्माण होती है तो व्हाट्सएप खाता बैन किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप ने नवंबर 2021 में 18 लाख से अधिक भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया है। फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बल्क मैसेज का अवैध तरीके से उपयोग कर रहे थे। व्हाट्सएप के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने इस बात का खुलासा हाल ही में किया है। गैर कानूनी, अश्लील या धमकाने वाले अथवा द्वेषपूर्ण संदेश भेजने पर व्हाट्सएप अकाउंट बैन किया जाएगा। हिंसक घटनाओं को प्रोत्साहित करने वाले मैसेज फॉरवर्ड न करें। फेक अकाउंट बनाकर उसका दुरुपयोग करने वाले को कारावास की सजा हो सकती है। बिना संपर्क वाले अज्ञात लोगों को बार बार मैसेज भेजने पर व्हाट्सएप नंबर को बैन किया जा सकता है। बल्क मैसेजिंग, ऑटो डायलिंग भी व्हाट्सएप के नियमों के खिलाफ है। व्हाट्सएप के कोड में छेड़छाड़ करना कंपनी के नियम के अनुसार गलत है। किसी भी व्हाट्सएप को हैक कर उसका दुरुपयोग करने वाले का खाता बैन किया जा सकता है। बार बार किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट के बारे में व्हाट्सएप के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने के बाद अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। नए आईटी नियम के अनुसार तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट का उपयोग करने पर उसे बैन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जेल की सजा भी हो सकती है। अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मचारियों में कोरोना की दहशत साफ देखी जा सकती है। ऐसे में संक्रमण से सुरक्षा के लिए नई नियमावली सोमवार से लागू की जाएगी। इसके तहत अब पक्षधारों को नियमित कामकाज में आने की अनुमति नहीं होगी। सुनवाई के दौरान वकील भी केवल एक ही जूनियर साथ में रख पाएंगे। न्यायालय में केवल सुनवाई से संबंधित वकील को ही प्रवेश दिया जाएगा। अन्य वकीलों को न्यायालय के बरामदे में सुरक्षित अंतर में इंतजार करना होगा। केस से संबंधित मामलों में भी ईमेल के माध्यम से सर्कुलेशन लेना होगा। न्यायालय परिसर में सभी को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अनिवार्यता भी रखी गई है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।